किन मंत्र चाहिए शुरू वाला थाई दवा देखते हैं ठीक है। प्रज्ञानं सुप्रदानै स्थिरचरणिकरा याभिव्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगास्थविष्टान् पुनरपि धिषन् ध्वाषितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नो माया संख्या तुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्न पूर्वस्मि। अथर्ववेदीय मांडुकोपनिषद के आगम प्रकरण पर विचार करते हुए हम लोग अभी 7-6 मंत्र हो गया था, उसके बाद दूसरा कारिका चल रहा था। 6 मंत्रों में ओंकार और ब्रह्म ये दोनों भिन्न वस्तु नहीं है, एक नामात्मा का एक रूपात्मा का, ऐसा अभिधान अभिधेय रूप लिखा करके फिर इसी जो प्रत्येक जीव की जो 3 अवस्था है उसी को पार ओंकार के 3 पाद के साथ तुलना करने के लिए पहले 3 अवस्था को समझाया। सो अयम आत्मा चतुष्पाद ऐसा कह करके आए थे, उस चतुष्पाद को समझाने के लिए वहाँ पे क्या किए थे भगवान वासुदेव बोले थे कि ये जो आत्मा है ये 3 पद्धति अनेना इति पाद, मतलब 3 पाद के द्वारा चल के जाया जाता है, और पद्धति इति पाद चौथा पाद जब इसको प्राप्त किया जाता है, इस प्रकार से विभाजन किए थे। अब जो 3 पाद के ऊपर चल करके जिसको प्राप्त करना चाहते हो, 3 पाद क्या क्या है, मतलब आप जागृत में बैठ करके कैसे विचार करने से आप अपने स्वरूप तक पहुंच सकते हैं, वो प्रक्रिया दिखाने के लिए पहले जागृत स्थान की वर्णन करते हैं, फिर स्वप्न स्थान की वर्णन करते हैं, फिर शुभकामना कंचनम कामम कामयतेना कंचनम स्वप्नम प्रचलितम सुषुप्ति स्थान एकीभूत प्रज्ञान घन एक स्थान एक ही भूत प्रज्ञान घन एव आनंदमय ही आनंद भुक् चेत मुख प्राज्ञ स्थिति बाधन ऐसा कहते। फिर आगे क्या बोला था, इस सर्वज्ञ इस सर्वेश्वर इस योनि सर्वभूतान प्रभव अप्रयो ही भूतान ऐसा कहते बोले थे ना। पहले लगा था कि केवल निमित्त कारण होगा, परंतु नहीं, उपादान कारण भी है क्योंकि लय भी वही में होता है। कभी भी किसी कार्य का लय निमित्त कारण में नहीं हो तो पदन कारण में होता है, इसलिए श्रुति अपने बोलता प्रभव अप्ययो ही भूताना। ये जो 6 मंत्रों के द्वारा कहा गया था, इस 6 मंत्रों को संक्षिप्त रूप में कारिका में कहा जाता है, उसका अंदर जो छुपा हुआ अर्थ है उसको कहने के लिए। तो पहले दिखाया था कि ये वहाँ पे पहला कारिका क्या था, फिर जो मुख्य रूप से आप उसको समझेंगे कैसे, आप उसको समझने के लिए भगवान भाष्यकार पहले ही इसकी मन में प्रतिज्ञा करते हैं, जागृत अवस्थायाम एव विश्वादीनाम त्रया नाम अनुभव प्रदर्शनार्थ अयम श्लोक, वेरी फर्स्ट लाइन ऑफ द भाष्य सेकंड कारिका। जागृत अवस्था में बैठ करके आप तीनों को कैसे अनुभव कर सकते हैं उसको समझाने के लिए कारिकाकार में ये श्लोक रखते हैं, दक्षिणाक्षी मुखे विश्व मन संतस्तु तेजस आकाशे च विधि प्राज्ञ त्रिधा देहे व्यवस्थित है ना। जागृत अवस्था में वही जीव उपहित चेतन धैन आप मुख्य रूप से इनका आंख मुख किसी भी क्रिया करने के लिए आंख की सबसे पहले आवश्यकता होती है, और अंधे को भी एक बोला था ऑप्टिकल लोब बोलते हैं उसको, तो इधर उधर उसका दृष्टि जाते हैं, मतलब ब्रेन के साथ कनेक्शन है, केवल ऊपर गोलक में कुछ कमी है। इस ये हो गया जो जागृत अवस्था में बैठ करके व्यवहार करते हैं, और स्वप्न अवस्था में वो जो है मन में आकर के बैठ करके व्यवहार करते हैं, वासनामय राज्य में घूमते रहते हैं, और जो सुषुप्ति अवस्था में हृदय आकाश में जा करके सोते हैं। इस प्रकार से ये 3 मतलब एक ही चेतन 3 उपाधि के साथ जो है व्यवहार करते हैं, ऐसा यहाँ पे कहा गया। देखो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए थे, मतलब पेज 33 को देखिए, यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे लास्ट में जब ये प्राज्ञ के साथ तुलना किया तो सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है, केवल प्राण चलता रहता है, केवल प्राण चलता रहता है, और उस प्राण में ही हमारे सारा इंद्रियों की क्रिया शक्ति और मन की शक्ति उनकी जो संस्कार सब उसमें बीज अवस्था में रहता है, प्राण में, प्राण
प्राण में जो क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में प्राणी केवल एकमात्र चलता रहता है, इस प्रकार से और उसी बीच से सब कुछ निकाल के आता है, उसी बीच से सब कुछ निकाल के आते हैं। अब नहीं, प्राण तो स्पष्ट रूप में दिखाई पड़ता है, उसको अव्यक्त तो आप कैसे बोल रहे हो, इसको लेकर के शंका आगे उठाएंगे। प्राण को यद्यपि प्राण अभिमान सती व्यकृतता है, प्राण जब तक आप प्राण की अभिमान है तब तो प्राण में व्यकृतता है, परंतु जिस समय अभिमान छूट जाता है उस समय आप किस देश में किस काल में, क्योंकि अव्यक्त शब्द से अभिप्राय क्या था कि देश काल विशेष अभाव, अव्यक्त शब्द से अभिप्राय क्या है, उस समय आपको देश काल का विशेष का बोध नहीं होता, ठीक है ना, सुषुप्त अवस्था में नहीं होता हमारा। इस अवस्था को लेकर किसी प्रकार समष्टि अव्यक्त जो है, आर्यदेविक जो अव्यक्त है, उस अवस्था में भी ईश्वर में कोई चीज स्पष्ट रूप में समझ में नहीं आता, सब सदैव संविदम अग्रह सब एक सद रूप में विद्यमान रहता है। इस भावना को मन में रखते हुए वहाँ पे प्राण को अव्यक्त के साथ तुलना की गई है, और प्राण ही अव्यक्त रूप में संचरण करते रहता है। देखो जरा मृत्यु अवस्था में, देखो मृत्यु अवस्था में क्या होता है, प्राण तो रहता है सूक्ष्म शरीर के अंदर, प्राण तो है, और एक शरीर से दूसरा शरीर में जाता है तो प्राण किस अवस्था में रहता है, बीज अवस्था में रहता है। जैसे ही एक नया शरीर को प्राप्त करता है फिर उसका फंक्शनिंग शुरू हो जाता है शरीर में, सबसे पहले प्राण आते हैं, प्राण को जस्ट भी कहते हैं सृष्ट भी कहते हैं, उनका अपना कोई विषय भी नहीं है। तो इस प्रति को हमने पढ़ लिए थे कि यथा प्राण लय दृष्टांत दिया, जिस प्रकार प्राण लय मतलब मृत्यु के समय में परिच्छिन्न अभिमानी नाम परिच्छिन्न अभिमान करने वाले व्यक्ति लोग प्राण उन लोगों का जो प्राण है अव्यक्त की समस्त में रहता है, उस समय अव्यक्त अवस्था में रहता था प्राण अभिमानी, उसी प्रकार से प्राण में अभिमान करने वाले और जिस समय सो जाते हैं उस समय वो सारा चीज इस अव्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, ठीक है ना। अविशेष आपत्तो सामान्य भाव में आ जाने के कारण अव्यक्तता समान है ना, सबेष्टि और समष्टि में अव्यक्तता एक ही प्रकार की है। अच्छा, इसके ऊपर जो टीका देखो, इस लास्ट लाइन में यहाँ पे बोले थे तत्र अव्यक्तता प्राणस्य प्राप उक्त दृष्टान्तेन अविशिष्ट, जैसा दृष्टान्तों के द्वारा समझा गया प्राण में अव्यक्तता समान है, अविशिष्ट तो दोनों में समान है व्यष्टि और समष्टि में, अभिमान रहता उस समय व्यक्त अवस्था में रहता है, सुषुप्ति अवस्था में आपका अभिमान नहीं रहता है, फल इसीलिए तो जागृत अवस्था में भी ये प्राण से भी आपका तादात्म्य छूट जाएगा यदि अभिमान को हम छोड़ सकते हैं। इसी तो भगवान भाष छोड़ो दृष्टान्त दिया, जागृत अवस्था में मृत्यु की तरह अगर हो सकते हो तब तुमको जीवन मुक्ति का आनंद मिल सकता है, क्योंकि दृष्टांत दिया प्राण लय मतलब मृत्यु अवस्था को लेकर के बोल रहे हैं, उस समय प्राण किस अवस्था में होते हैं, और प्राण और मन में बहुत बड़ा संबंध है, क्योंकि हमें पहले अभी बोलेंगे प्राण बंधन सौम्य मन। कोई कोई व्यक्ति योगी लोग मतलब प्राणायाम के द्वारा मन को संयमित करते हैं, और वेदांती लोग मन संयम के द्वारा प्राण को संयमित करते हैं, है ना, ये हमारे वेदांतिक सिद्धांत है। मन को योग में क्या है प्राण, क्योंकि प्राण और मन का अविच्छिन्न संबंध है, और मन संकल्प से प्राण इस शरीर में आता है, प्रश्न मनुष्य ने भी कहा गया है। तो देखिए इस पंक्ति का तो विशेष अभिमान निरोध है, इसलिए विशेष अभिमान को निरोध हो जाने पर प्राणस्य अव्यक्तत्वं प्रसिद्धं, प्राण अव्यक्त है प्रसिद्ध है, पेज 34 टू फर्स्ट लाइन टीका, ठीक है ना, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे भी हो गया था थोड़ा, ठीक है। किंच यथा अधिदैविकम अव्यक्तम जब अब जो है प्रसव बीजात्मकत्वम च, भाष्य में देखिए है ना, एक तो अव्यक्त संबंध प्रसव बीजात्मकत्वम च, ये दोनों जो है प्रसव मतलब पैदा करने के लिए जो बीज अवस्था है वो प्राण में और अव्यक्त में समान है, पैदा करने का जो धर्म है गुण है वो प्राण में और अव्यक्त में समान है। प्रसव बीजात्मकत्वम च मतलब समान, कैसे आप देखिए जागृत में और स्वप्न में हम किस प्रकार से व्यवहार करेंगे, कहाँ बीज अवस्था में रहते हैं, सुषुप्त में प्राण में ही रहते हैं, चूंकि वो प्राण चलता है प्राण में आके होता है उसमें, और जैसे ही हमारा वो सुषुप्ति की प्रारब्ध समाप्त होता है तो प्राण से ही वो निकल के आते हैं, प्राण से एक्चुअल यद्यपि हम यहाँ पे प्राण शब्द प्रयोग करते हैं हिरण्यगर्भ बोलते हैं, उसका तरह लक्ष्य तो हमारा परमात्मा ईश्वरी है। वेदांती की विशिष्टता क्या है, शब्द प्रयोग तो हम उपाधि को लेकर के बोलते हैं परंतु उस लक्षित है उसके द्वारा उस उपाधि में छुपा हुआ चेतन सब जगह पे की जो हिरण्यगर्भ है वो
वो तो व्याकृत समष्टि प्राण अवस्था है और ईश्वर अव्याकृत प्राण अवस्था है। समष्टि क्रिया शक्ति, समष्टि इच्छा शक्ति, समष्टि ज्ञान शक्ति हिरण्यगर्भ है, वो भी पूर्ण व्यक्त नहीं है, पूर्ण व्यक्त नहीं है, क्योंकि वो क्या है, बीज अवस्था। पहले बीज अवस्था एक अंकुर अवस्था, हिरण्यगर्भ अंकुर अवस्था, विराट शरीर हो जाने पर तब अभिव्यक्त, हाँ तब समझ में आते हैं, अभिव्यक्त हो जाते हैं। यहाँ पे किंच यथा आदिदैविकम अव्यकृतम जगत प्रसव बीजम, जैसे आदिदैविक देखिए जगत प्रसव बीजात्मक, तम इसको लेकर के बोल रहे हैं टीकाकार कि वो जिस प्रकार किंच, और भी देखो जैसे उपाधि के धर्मों को देखा जाता अधिदैविकम अव्यकृतम, अधिदैविक अव्यकृतम मतलब क्या, माया उपहित माया उपाधि जिस समय है वो अव्यकृतम जगत प्रसव बीज, वो जगत की उत्पत्ति करने के लिए बीज है, जगत का प्रसव मतलब उत्पत्ति करने के लिए बीज है, वो अव्यकृत मतलब माया उपहित चेतन। ठीक इसी प्रकार से ये जागृत स्वप्नों को भी जो भोग है उसको अभिव्यक्त करने के लिए बीज कौन है, इसीलिए आप बोलते हैं कि ये दोनों समान है। अब कैसे पता लगा आपको, देखो श्रुति ऐसा बात बोलती है तद्ध इदं तहि अव्यकृतम आसीत् तन्नाम रूपाभ्यामेव व्यक्रियत इति श्रुतेः, ठीक है ना, चांद बृहदारण्यक श्रुति में बताया था ये श्रुति टीकाकार दे रहे हैं, टीकाकार दे रहे हैं, भाष्य नहीं है टीका में है, टीकाकार भाष्यकार ने जो बोला वो कैसे बोला, श्रुति के आधार पर बोला, टीकाकार उसको दिखा रहे हैं श्रुति के आधार पर बोलते हैं। तथा प्राणाख्यम प्रसुप्तम, इसी प्रकार से जो सोया हुआ व्यक्ति जिसका प्राण रूप में जो वहां पे चल रहा है जागृत स्वप्न योर प्रसव बीजम भवति, ठीक है ना, इसी प्रकार प्राणाख्य सुषुप्ति है, वो सुषुप्ति क्या होता है जिसके समय प्राण नाम से कहा जा रहा है सुषुप्ति को, वो जागृत स्वप्न हो, जागृत स्वप्न का क्या होता है बीज मतलब प्रसव बीज भवति, इसलिए उसको बोला गया चेत मुख, बोला था ना कि चेतनता का अभिव्यक्ति होने के लिए मुख है, चेत मुख ऐसा कहा गया था। अब यहाँ पे देखिए तीन नंबर टिप्पणी में बोले थे कि तीन सुषुप्तम तद इदम अभी एता ही नाम रूपाभ्यामेव व्यक्रियते, जो पहले हुआ था इस समय इस काल में भी इसी प्रकार सुषुप्ति से ही समस्त नाम रूप के अभिव्यक्ति होते हैं, कुछ में से बीज अवस्था में नहीं। तथा च कार्यम प्रति प्रसटिका में, तथा च कार्यम प्रति प्रसव बीज रूपत्वम अविशिष्टम उभयोर इति लक्षण अविशेषात अव्यकृत प्राणयोर एकत्वस्य प्रसिद्धि इति आह, ठीक है ना, क्या बोलते हैं कार्यम प्रति प्रसव बीज रूपत्वम, मतलब कार्य जो नाम रूपात्मक कार्य जगत दिखाई पड़ रहे हैं अथवा हमारे जागृत स्वप्न रूप जो कार्य है उन दोनों कार्य का प्रति प्रसव मतलब उत्पत्ति करने के लिए जो प्रसव बीजात्मक उत्पत्ति के जो बीज वो यहाँ पे प्राण नामक सुषुप्ति में और उधर अव्यक्त में दोनों समान है, इसलिए होते तथा चल कार्यम प्रति प्रसव बीज रूपत्वम अविशिष्टम, समान है दोनों में, उभयरपी उभय दोनों में, कौन दोनों में, ये प्राणाख्य सुषुप्ति और अव्यकृताख्य ईश्वर है ना, इति लक्षण अविशेषात, इसलिए दोनों के लक्षण एक ही होने के कारण अव्यकृत प्राणय, इसलिए अव्यकृत और प्राण इन दोनों का एकत्वस्य जो दोनों में एक है, दोनों भिन्न नहीं है, ये प्रसिद्धि है, शास्त्र प्रसिद्ध है ये, उसी को मन में रखते होते प्रसव बीजात्मकत्वम च, शब्द से कह देंगे समानम इति अनुकर्षार्थम चकार, वो जो समान पद अव्यकृतता समाना वो समान को यहाँ पे लगे मतलब प्रसव बीजात्मकत्वम समानम उभयोर, उभय मतलब प्राणाख्य सुषुप्ति और अव्यकृता का जो ईश्वर है इन दोनों में प्रसव बीजात्मकता समान है, समान है ये बोले। अच्छा इस प्रकार से जो उपाधि की धर्म को दिखाया, एक हो गया उपाधि या एक हो गया उपहित, नहीं नहीं सुषुप्त अवस्था में नहीं है, उस समय उसका भोग शुरू हो जाता है, नहीं तो बढ़ेगा कैसे, नहीं वो क्या होता है उस समय, क्योंकि उस पहले जिस समय मातृका में बीज का संचार होता है उस समय ही प्राण आ जाता है, प्राण आ जाने के बाद फिर धीरे धीरे इंद्रिय गोलक फूटता है, जैसे इंद्रिय गोलक में फिर इंद्रिय के प्रवेश होते हैं,
मातृ गर्भ में जंत्रणा है तभी तो वामदेव ऋषि बोलता है मातृ गर्भ यदि वहां पे जल सुषुप्त अवस्था पड़ा रहता तो वामदेव बोलता अहम अनुभवम सूर्यश्च। मातृ गर्भ से वामदेव ऋषि ने बोला था वहां पे उनको ही गर्भ हुआ है, तो जड़ नहीं है। इसीलिए तो बार बार सूत्र हमारे शास्त्र परंपरा भी बोलते हैं मातृ गर्भ की जंत्रणा को जरा सोचो कितना, ताकि दोबारा वहां पे जाने का कभी असमान जुगुप्सित वहां पे भोग होता है हम भूल जाते हैं। इसलिए बचपन में क्या क्या दुर्भोग भोगा वो भूल जाते हैं, इसीलिए सोचते हैं ठीक है चले। परंतु शास्त्र दिखाते हैं हमको देखो क्या क्या दुर्भोग भोग कर आया, दोबारा ये दुर्भोग भोग ना करे, इसी शरीर से फिर जन्म मृत्यु के बंधन छूटते सभी प्राचीन। अच्छा अब क्या बोलता है, एक हो गया उपाधि एक हो गया उपहित, एक हो गया उपाधि एक हो गया उपहित। तो देखो यहाँ पे उपाधि है भगवा कपड़ा, उपाधि है सफेद कपड़ा, ठीक है ना। परंतु भगवा का दोनों उपाधि है और यहाँ पे अलग अलग व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं। परंतु आप यहाँ पे और थोड़ा अंदर चले जाओ, चाहे भगवा कपड़ा उपाधि हो चाहे सफेद कपड़ा उपाधि, दोनों के अंदर जो आत्मा बैठा हुआ है वो भिन्न नहीं है। और इस उपाधि के द्वारा उपहित दिखाई पड़ रहा है, आत्मा ही दिखाई पड़ रहा है। तो उपाधि के माध्यम से जो दिखाई पड़ता है उसको बोलते हैं उपहित, उपाधि के साथ। तो उपाधि धर्म तो दोनों का एक है, क्या हो गया प्रसव बीजात्म तत्व। आप उपहित धर्म मतलब जो चेतनता जो सब में बैठा हुआ है वो भी एक ही है, चाहे वो परिच्छिन्न रूप में क्यों ना दिखाई दे, वो संपूर्ण पूर्ण ही है। वो उसको लेकर के बोलते हैं देखिए कि उपाधि माने उपाधि से समानता होकर के उपाधि की भी उपहित का भी एकता को यहाँ पे दिखाना चाहते हैं। इसलिए बोलते हैं उपाधि स्वभाव आलोचनाया सुषुप्त अव्यकृतयोर अभेदम अभिधाय, ठीक है ना। उपाधि की स्वभाव को है ना, उपाधि की स्वभाव को विचार करके हमने ये दिखाया कि सुषुप्ति और अव्यकृत अभिन्न, मतलब जो वहाँ पे जो है वो अभिन्न है। अव्यकृतयोर अभेदम अभिधाय ऐसा कथन करके उपहित स्वभाव उपाधि के द्वारा जो जिसको दिखाना चाहते हैं उसका स्वभाव भी एक है, उपाधि के स्वभाव भी एक। उपाधि इधर हो गया प्राण, उधर हो गया अव्यक्त माया, ठीक है ना। उन दोनों का स्वभाव एक ही है, क्या स्वभाव है कि अपने में सब बीज को छुपा के रखते हैं, समय आने पर हमसे वही सब व्यक्त होता है। जीवात्मा परमात्मा में एक ही स्वभाव, हाँ एक स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार से आप उपहित को लेकर, उपहित कौन हो रहा है इसके द्वारा, वो चेतन, चेतन उपहित है। आप इसको ओम अधिष्ठाता मालिक अधिपति, वो उपहित धर्म भी एक ही है, उपहित धर्म भी एक ही है। जिस प्रकार वहाँ पे ईश्वर अपनी माया को संचालन करते हैं, इसी प्रकार हमारे रहने के कारण प्राण के संचालन तो परिच्छिन्न है, प्राण के संचालन होते हैं और अपने प्रारब्ध के अनुसार उसका भोग भी होता है। जो जीव है हम अविद्या उपहित है और ईश्वर माया उपहित है। यहाँ पे अविद्या से उपलक्षित यहाँ पे प्राण दिखाई पड़ रहा है, अविद्या के कार्य दिखाई पड़ता है अंतकरण माया के साथ। इसीलिए उपहित स्वभाव आलोचनाया सुषुप्त अव्यकृत अभेदम अभिधाय, उपहित स्वभाव उपहित ध्यान देना उपाधि और उपहित, उपहित स्वभाव आलोचनाया अपि उनकी भी विचार करोगे तो तयोर अभेदम महत्व, तयोर मतलब ये जो हमारा सुषुप्ति का अभिमानी चेतन और जो है आध्यात्मिक अधिदैविक में अभिन्नता मतलब और समस्त अभिमानी चेतन एक ही है। अव्यकृत और प्राण की अभिन्नता को कहना चाहते हैं अब तयोर अभिन्नम अव्यक्त प्राण की अभिन्नता, उसको लेकर के भगवान भाष्यकार बोलते हैं तद अध्यक्षस्य एक और दोनों उसका मतलब अव्यक्त की अध्यक्षता और प्राणों की अध्यक्षता, ठीक है ना। अव्यक्त और प्राण को एक कहा गया है तो अव्यक्त का जो अध्यक्षता करता है मतलब संचालन करता है उसको अध्यक्षता मतलब उसे कंट्रोलर, अर्जुन बोला ना ईश्व अधिपति ईश्व अंतर्यामी है ना, तो वो यहाँ भी इस प्राण को जो संचालन करता है ये उपहित है, वो प्राण के माध्यम से दिखाई पड़ता है। दोनों की स्वभाव एक है, दोनों की स्वभाव एक है। इसीलिए आप ये बोल रहे हैं कि तैयार उपहित स्वभाव और आध्यात्मिक अधिदैविक और मतलब जो अपने व्यष्टि में दिखाई पड़ रहा है और समष्टि में दिखाई पड़ रहा है ये आध्यात्मिक अधिदैविक है। एक अधिष्ठाता दोनों सभी में क्या है, ये उपाधि अलग अलग होने पर भी इन सबके अंदर अधिष्ठाता एक ही चेतन है, सबके अंदर अधिष्ठाता एक ही चेतन है। मतलब देखिए उपाधि भी एक धर्म वाला है और उपहित भी एक ही है, इसी नाते बोलते हैं इस लाइन के इम्पोर्टेंट क्या भिन्नता हुआ वाक्य में कि उपाधि स्वभाव आलोचनाया सुषुप्त अव्यकृतयोर अभेदम अभिधाय, उपहित स्वभाव आलोचना जिसको उपाधि के माध्यम से देखा जा सके वही हो गया उपहित,
तो उपहित के स्वभाव को भी आलोचना करने पर भी तयोर अभेद प्राण और अव्यापित में अभिन्नता सिद्ध होता है। बोले यहाँ पे अध्यात्मिक अधिदेवी कयोर है ना, एक अधिष्ठाता, कैसे अधिष्ठाता सब में एक है, समान है। कौन है वो? चिद धातु हो, एक चैतन्य में धारणात धातु हो, धातु मतलब मेटल नहीं है, धारणात धातु है, सबको धारण करके रखते, अधिष्ठाता है सबका, है ना, सबको मतलब संचालन करते हैं। इसलिए भाष्य का प्रयोग किया अध्यक्ष, अध्यक्षता, जिसकी अध्यक्षता में सारा काम होते हैं, इसलिए आप बोलते हैं अधिष्ठाता चिद धातु हो, यानी कि उपाधि की समानता को दिखा करके आप उपहित की भी एकता को दिखा रहे हैं। अब बोलते हैं अतो अपि, इस कारण से भी, अतो अपि तयोर एकत्र सिद्धति, अतो अपि इस कारण से भी, क्यों, क्योंकि उपाधि के धर्म भी समानता है और उपहित भी एक ही है, इसलिए भी उन दोनों का एकत्र सिद्ध होता है, ये अर्थ है, इसका अभिप्रेय करते हैं। ठीक है, आगे देखिए और टीकाकार बोलते हैं सुषुप्त अव्यक्तयोर एवं एकत्वं प्रसाद्य तस्मिन् अव्यक्ते सुषुप्ते प्रागुक्तं विशेषणं युक्तं इति आह। अब दिखाया कि उपाधि धर्म और जो उपहित, इन दोनों एक होने के कारण सुषुप्ति और अव्यक्त, सुषुप्त शब्द को प्राण शब्द की तरह कहा गया और यहाँ पे जो है अव्यक्त, इन दोनों की एकत्व को प्रसादित करके दिखा करके सुषुप्त अव्यक्तयोर एवं इस प्रकार से, मतलब उपाधि धर्म से और उपहित धर्म से एकत्व होने के कारण एवं एकत्वम प्रसाद, एकत्व को अच्छी तरह सजा करके दिखा करके तस्मिन, उसी में अव्यक्ते सुषुप्ते प्रागुक्त, उस अव्यक्त रूप सुषुप्त में जो पहले विषण दिया गया था, क्या निशान दिया गया था? अव्यक्त मतलब सुषुप्ति का अवस्था में विषण क्या दिया गया था? एष सर्वज्ञ, एष सर्वेश्वर, एष योनिचर्वस्य प्रभवाप्येवि भूतानां एकीभूत, और क्या बोला था? प्रज्ञान घन एव, ये भी विषण दिया था आपका जो है पांचवें मंत्र में, देखिए एकीभूत सब वहां पे एक रूप हो जाता है, अलग अलग कुछ भी समझ में नहीं आता, एकीभूत। पांच नंबर मंत्र में देखिए प्रज्ञान घन एव, चेतनता की एक घनीभूत अवस्था, अलग विशेष कुछ भी समझ में नहीं आता। और छठा मंत्र में बोला था ऐसा सर्वज्ञ, ऐसा सर्वस्व, ऐसा योनि सर्वत्र प्रभाव का ये होता ना, ये जितना विशेषण दिया गया था ये विशेषण दोनों जगह पे युक्ति संगत हो जाता है। चेतनता की जो है उसमें कभी कमी नहीं होता क्योंकि वो हमेशा एक रूप है, मतलब विश्वामृतस्य पुत्र, मतलब सभी में जो पोटेंशियल चेतनता की जो पोटेंशियलिटी है वो छोटा चींटी में भी जितना है, हिरण्यगर्भ का उतना ही है, परंतु आनंद की भिन्नता है। आनंदमय में भी का है, आनंदमय तो भी का है, कोष में है वो आनंद नहीं, हाँ शुद्ध आनंद वो एक है, वो आपका प्रज्ञान घनता से जो आनंद है वो सब में एक है, परंतु उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त होता है इसलिए आनंद की भिन्नता हो जाती है। उपाधि के बोल अभिमान छोड़ तो बस एक है, अभिमान ही हमारा है भेद के लिए हेतु बनता है। इसलिए आप देखिए क्या बोलते हैं, अतो अपि अतयोर एकत्र सुषुप्त अव्यक्तयोर एवं एकत्वं प्रसाद, इस प्रकार से सुषुप्त और अव्यक्त के एकत्व को सिद्ध करके तस्मिन् अव्यक्ते सुषुप्ते अव्यक्त सुषुप्त में प्रागुक्तं विशेषणं, जो उपशेषण किया दिया था प्रज्ञान घन एकीभूत सर्वज्ञ सर्वेश्वर, जितना सारा विशेषण दिया था ये दोनों में घट जाते हैं, दोनों में खड़े जाते हैं, विशेषण युक्तम इतिहास कुछ को बोला परिच्छिन्न अभिमानिनाम अध्यक्षानाम च तेन एकत्वम इति पूर्वोक्तम विशेषणम एकीभूतः प्रज्ञान घन इत्यादि उपपन्नम, ये युक्ति संगत हो जाता है। परिच्छिन्न अभिमानिनाम, परिच्छिन्न में अभिमान करने वाले व्यक्ति लोग, जो व्यष्टि चेतन, मतलब व्यष्टि चेतन जो मान लिया है ना, अध्यक्षानाम च, उसका जो अध्यक्षता करते हैं पीछे बैठकर,
तेन एकत्वमिति, ये इस कारण से मतलब अध्यक्षता एक ही, अधिष्ठान सबके लिए है, परिच्छिन्नता के कारण आपको टुकड़ा दिखाई पड़ते हैं, इसलिए इस कारण से एकत्वमिति पूर्वोक्तम, ये जो पूर्व ये पहले बोला गया था वहां पे पूर्वोक्तम मन जो है उस विशेषण को जो कहा गया, क्या विशेषण दिया वो जो बोल रहे हैं यहाँ पे, एक ही भूत प्रज्ञान घन इत्यादि इत्यादि से क्या लेंगे, सर्वज्ञ सर्वसर सर्वजोनि, ये सब ग्रहण हो जाएगा विशेषण है ना, तो एक ही भूत प्रज्ञान घन इत्यादि उपपन्न एक है ना, युक्त संगत हो जाता है। अब इस अब क्या देखिए अभिप्राय क्या है, जरा सोचिए इस चीज को, जागृत अवस्था में बैठ करके यदि आप अपने हर प्रकार के अभिमान से ऊपर उठ सकते हैं तब क्या हो जाएगा, आप ही सर्वज्ञ, आप वहां पर सर्वज्ञ को बचेगा ही नहीं क्योंकि सारा आपने निषेध कर दिया, बस आपकी पूर्णता का प्रकाश का अनुभव हो जाएगा, ये अभिप्राय है यहाँ पे। इसलिए बोलते हैं यहाँ पे विशेष प्रज्ञान घन इत्यादि, ये जो पहले बोल करके आया था ना, एक ही भूत मतलब क्या हो जाएगा, आप परिच्छिन्न अभिमान छोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, व्यापकता के साथ एक हो जाएंगे। व्यापक क्या वस्तु है, एक चैतन्य घन वस्तु है, चैतन्य की घनीभूत अवस्था है, और वही वो जो सत और चित्त की घनीभूत अवस्था पूर्णता वही अनंत रूपी है, क्योंकि जैसे ही आपका पूर्ण शक्ति आपका पूर्ण कमता की चित्त की अभिव्यक्ति आनंदमय है, पूर्ण चित्त की अभिव्यक्ति आनंदमय है, इसीलिए आप बोलते हैं प्रज्ञा इत्यादि उपपन्न, ये सब आदि से क्या देंगे वहाँ पे, वो सर्वज्ञ सर्वेश्वर का जो बोलकर कहता वो भी युक्ति संगत हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे टीकाकार लिख रहे हैं, यद्यपि विशेष अनभिव्यक्ति मात्रेण एकीभूतत्वात् इति विशेषणम् उपपादितम्, यद्यपि देखिए विशेष अनभिव्यक्ति मात्रेण, जब आप जागृत में बैठ करके समस्त रकम जितना भी विशेष हमारे मन में आता है उसको हटा दीजिए, उसको हटा दीजिए, इसे बोलते हैं कि यद्यपि विशेष अनभिव्यक्त मात्रेण, जब आपकी सारा विशेष अभिव्यक्ति नहीं होगा तब क्या हो जाएगा, एक ही भूतत्व एक ही है, विशेषता से ही परिच्छिन्नता दिखाई पड़ती है, विशेषता से ही परिच्छिन्नता का अनुभूति होती है, यदि विशेषता को जागृत में बैठ करके हम हटा पाएंगे। अब देखिए चाहे एक फकीर रस्ते में ईंट के ऊपर मत्था रख के सोता है, चाहे एक अमीर व्यक्ति आपका आपका एयर कंडीशन रूम में सो रहा है, उठ करके दोनों एक ही शब्द बोलते हैं, यदि गहरे नींद में गया होगा, अमीर व्यक्ति के लिए थोड़ा कठिन पड़ता है, पर वे व्यक्ति तो आराम से सुनता है, उठ करके एक ही बोलता है, क्या बोलता है, आनंद से सोया था कुछ भी नहीं था, यानी कि देखिए यहाँ पे एक ही भूत अवस्था जागृत में, मैं तो भिखार हूँ बाबा मेरे को भेजा, इसलिए हमें बोलते हैं कि यद्यपि विशेष अनभिव्यक्ति मात्र, यही हमारी प्रयास है ध्यान रखना इस चीज को, इस चीज की भाष्य इस पंक्ति शब्द, जब कभी भी कोई अपने को दूसरे से विशेष लगता है आप समझना कि अब मैं अपनी व्यापकता को खुन्न कर दिया, मैं अपनी पूर्णता को खुन्न कर दिया, अपनी पूर्णता को हमने परिच्छिन्न बना दिया, ठीक है, विशेषता कहां, उपाधि में है, मुझ में नहीं है, उपाधि में विशेषता है कोई बात नहीं, उपाधि में रहने दो, अपने में स्वरूप नहीं बन गए, तब क्या हो जाएगा, अपनी व्यापकता की पूर्णता की भाव आपके अंदर अभिव्यक्त हो ही जाएगा, क्योंकि बोला जागृत में आपको अनुभव करना है, कैसे करेंगे धीरे धीरे, हम इसीलिए बोलते हैं यद्यपि विशेष अनभिव्यक्ति मात्र नहीं कि भूतत्व आदि विशेषण अनुपाधिकम, इस प्रकार की विशेषण युक्ति संगत ऐसा कहा गया, तथापि परिच्छिन्न अभिमानिनाम उपाधि प्रधानानाम, जब परिच्छिन्न अभिमान करते हैं तो हमें प्राधान्यता किसकी होती है, उपाधि की प्राधान्यता होती है, इसलिए होता है कि परिच्छिन्न अभिमानिनाम उपाधि प्रधानानाम तत्र तत्र अध्यक्षानाम, परंतु जहां कहीं भी आप उपाधि में प्राधान्यता देखो परंतु उसके पीछे वाले तत्व को देखना सीखो, किसकी अध्यक्षता में ये, किसकी अध्यक्षता में मैं बोल सकता हूँ मैं सर्वनाम, किसके कारण से रोज चेतन अधिष्ठता होने के कारण है, तो एक सारा बोलती बंद हो जाता, एक क्षण में सारा चीज समाप्त हो जाता है यदि यदि उच्चतन अधिष्ठाता अधिष्ठा छोड़ दे, इससे तत्र तत्र अध्यक्षानाम च उपहितानाम, जो उपाधि के साथ दिखाई पड़ते हैं अव्यक्त देन एकत्वम, वो क्या होता है अलग अलग परिच्छिन्न अवस्था में भी आप उस पर समष्टि अव्यक्तता देवी के साथ एक है, उपाधि के कारण भेद की प्रतीति होती है परंतु व्यापकता में कभी छिन्नता परिच्छिन्नता कभी नहीं आया, जिस प्रकार दृष्टांत सबसे अच्छा दृष्टांत तो आकाश है, कितना भी मकान यहाँ पे बन गया सामने हमारे सामने बनते हुए देखा परंतु प्रतीति होती है कि आकाश अलग अलग हो गया, परंतु एक 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 भूकंप आ जाए आकाश के आकाश वैसे ही हो जाए,
इसलिए हमेशा यही चीज हमको भी ध्यान रखना, ठीक है हम सन्यासी हैं, सन्यासी के व्यवहारिक मर्यादा को हम पूर्ण नहीं करेंगे, तो कभी भी विशेष किया कि अभिमान नहीं करना, तब क्या हो जाएगा वो जो व्यापकता है अनुभूति वो रुक जाएगी आपके। इसीलिए आप बोलते हैं यद्यपि विशेष अनभिव्यक्ति अनभिव्यक्ति मात्र एक ही भूतत्वादि विशेषण उपाधि तथा परिच्छिन्न अभिमानी नाम उपाधि प्रधान नाम तत्र तत्र अध्यक्षा नाम वहाँ पे जो अधिष्ठान रूप में बैठा जो उपहिता नाम जो उपाधि के माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है अव्यक्त देना एक वही अव्यक्त सब एक रूप है, सब मिल रहे अधिष्ठात्र चेतन उसके साथ उसका एक है। अव्यक्त तो अलग अलग नहीं है, एक ही होता अव्यक्त तो माया उपेद चेतन को क्या बोलते हैं ईश्वर है कि नहीं। यद्यपि हम प्राज्ञ रूप में दिखाई पड़ते हैं परंतु हमारे ईश्वरत्व तो कहीं कमी नहीं गई, कमी नहीं हुई। उपहिताना जो उपाधि उपाधि के साथ दिखाई अध्यक्ष कौन है अधिष्ठान सुनाना शुद्ध चेतन और वो उपाधि के साथ दिखाई देकर जीव होकर उपहित हो गया वो जीव होकर उपहित हो गया वो, परंतु इतना होने पर भी अव्यक्त देना वो जो ईश्वर है अव्यक्त माया उपहित चेतन ईश्वर उसमें उसके एकत्व कभी खुंड नहीं हुआ, वो तो एक होमोजीनियस एंटिटी है ना, प्रतीति ऐसा होती है। इसीलिए हमें बोलता है अथवा प्रागुक्त विशेषण उपपत्ति, इसलिए क्योंकि हमको लगता है कि हम तो सर्वज्ञ नहीं हम तो अल्पज्ञ हैं, परिच्छिन्न अभिमान कर लिया इसीलिए आपको सर्वज्ञ तो नहीं लगता। परिच्छिन्न तो अभिमान छोड़ करके देखो, देखना हमारा ध्यान देना, ये सर्वज्ञत्व मतलब ये नहीं कि तब वो आप बहुज्ञत्व हो सकते हैं, भगवान गीता ध्यान रखना बहुज्ञत्व सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व तीनों भिन्न भिन्न उपाधि की मामला है, ये उपाधि के मामला है ना, पर केवल ज्ञत्व हमारा पारमार्थिक स्वरूप है, केवल और कुछ नहीं है शुद्ध चेतन है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं अथवा प्राग उक्त विशेषण उपपत्ति, इसलिए विशेषण ऊपर भाग है वो युक्त संगत है, किंच अध्यात्म अधिदैविक एकत्वमिति प्रागुक्त हेतु सद्भावा, पहले ही बोल कर क्या था जागृत से दिखाना चाहता है कि जो अध्यात्म और अधिदैविक में भिन्नता नहीं है, व्यष्टि और समष्टि में भिन्नता नहीं है, समष्टि ही व्यष्टि रूप में प्रतीति होती है माया के कारण, समष्टि ही परिच्छिन्न रूप में प्रतीति होती है माया के कारण, इसलिए पहले से बोल कर किंच अध्यात्म अधिदैवयोर एकत्वम इति ये दोनों अभिन्न है इति प्रागुक्तम, इससे जो पहले कह करके प्रागुक्त हेतु सद्भावा ये हेतु पहले से विद्यमान है क्योंकि हम सुषुम्न जागृत अवस्था से ही दिखा करते आ रहे हैं। सद्भावच्च युक्तम सुषुप्ते, इसलिए ये कहना युक्तिसंग है सुषुप्ते प्राज्ञे प्राणात्मनि अव्यक्त है, ठीक है ना, सुषुप्ति अवस्था में जिसका नाम है प्राज्ञ जिस समय प्राण रूप में दिखाई पड़ता है और सारा बीज जहाँ का अव्यक्त रूप रहता है अव्यक्त यथोक्तम विशेषण, वहाँ पर जो विशेषण दिया गया है ना क्या है ये एक घन एक ही भूत और फिर तत्वज्ञान घन सर्वज्ञ सर्वेश्वर सर्वाधिपति प्रभाव होता है ना, ये सब युक्ति संगत है ना। इतिहास अब इसलिए बोलते हैं पूर्वोक्तम विशेषणम एक ही भूत है ना, जो पूर्वोक्त विशेषण दिया गया था एक ही भूत प्रज्ञान घन इत्यादि वहाँ से आदि से क्या लेंगे तो टीकाकार बोलते हैं ग्रंथगत आदि शब्देन सर्वेश्वरत्वादि विशेषणम गृह्यते, सर्वेश्वर आदि ये जो विशेषण वो गृहित होता है, ठीक है मिला आपको ग्रंथगत कहाँ पे आया आदि शब्द इत्यादि उपपन्नम प्रज्ञान घन इत्यादि वहाँ पर आदि पद दिखाई दे रहा है, उस अधिकार तो क्या हो जाएगा सर्वेश्वर तदुप छठा मंत्र में जो विशेषण आया पांचा छठा मिल गया एक ही वस्तु को प्रतिपादन किया ये विशेषण विहन होता है। अब जो एक नया शंकर लाएंगे, आज तक हमारे पास प्रसिद्धि है क्या प्रसिद्धि है प्राण मतलब प्राण अपान समान व्यान उदान अधिक से अधिक प्राण शब्दों के द्वारा हम इंद्रियों के कभी बोलते हैं परंतु प्राण शब्दों के द्वारा कभी चेतन जो अभी अधिष्ठा का अध्यक्ष जो अव्यक्त तो कहीं नहीं बोला गया है, यहाँ पे कैसे भगवान भाषा सूची कैसे बोल रहे हैं यहाँ पे आप देखिए एक चीज ध्यान रखना है प्रत्येक दर्शन में अपना अपना भाषा एक परिभाषित होते हैं वो देखो प्रॉपर डेफिनेशन जिस प्रकार हम मिनिस्टर शब्द प्रयोग करते हैं मिनिस्टर शब्द का सामान्य अर्थ क्या होता है मंत्री मतलब मिनिस्टर मतलब जब आप तो चर्च के संबंध में बोलेंगे धर्म प्रचारक के लिए प्रयोग होता है
अब शब्द प्रयोग कैसे होता है, किस जगह पे किसने प्रयोग किया। अब बाइबल पढ़ते समय मिष्ठा शब्द का अर्थ हो, अब हमारा मतलब आयंदे पढ़ते समय मिष्ठा का अलग होता है। अब इसीलिए आप यहाँ पे इस व्यक्ति को नहीं समझ पा रहा है कि प्राण शब्द से हम प्राण अपान समान व्यायाम ये माना योग दर्शन संघ यही बोलते हैं। हमारे यहाँ तो सब प्रवृत्ता है, परमार्थिक नहीं है। हम किसी को भी बोलते हैं, हम चेतन को ही बोलते हैं। वेदांत में किसी भी शब्द प्रयोग करते हैं तो क्या बोलता है, आकाश शब्द बोला, पर तो हम आकाश नहीं बोला, आकाश उपहित तो ब्रह्म को बोलते हैं। वायु की उत्पत्ति हुआ मतलब वायु को नहीं बोला, हम वायु उपहित तो चेतन मतलब ब्रह्म को बोला जा रहा है, वायु भावापन्न ब्रह्म। ये वेदांतिक शैली है। ये वेदांतिक शैली को जब तक हमको पकड़ में नहीं आता तब तक ये शंका होती है, हर जगह पे ध्यान रखना है, आगे भी ऐसा ही आएगा। हम शब्द प्रयोग तो करेंगे उपाधि को लेकर के, पर दूसरे तरह लक्षित होता है हमारा शुद्ध चेतन। सारा ब्रह्म शुद्ध प्रथम अध्याय पूरा इसी को लेकर के समझाया। ब्रह्म शुद्ध प्रथम अध्याय में जहाँ कहीं भी आकाश शब्द प्राण शब्द कुछ भी शब्द प्रयोग हुआ तो सब दिखाई, इसका अभिप्रेत अर्थ ब्रह्म ही है। समझने का ध्यान पूरा वेदांत वक्त को समन्वय किसमें है, ब्रह्म में है। इस चीज को आप देखिए, मतलब अन्नवादी नहीं समझ पाते हैं हमारा अभिप्राय क्या है। आप हम बार बार वेदांत तो पढ़ते हैं, ब्रह्म शब्द पढ़ लिया तो हमको हमारे बात तो प्राण शब्द प्रयोग से हमको समझ में आ जाता है, दूसरे बात को समझ में नहीं आता। ये चीज ये दो व्यक्ति लग रहे हैं, एक ही शब्द बोलता है तुमने ऐसा अर्थ किया, तुमने ऐसा अर्थ क्यों किया, उसका अर्थ शब्द प्रयोग का अभिप्राय कुछ भिन्न था इस बात पर। इसलिए आप पहले सोच सुनिए कि ये किस अभिप्राय से बोल रहे थे। अब उनको बोलिए भाई तुम अपनी जो शब्द प्रयोग करो उसका लक्षण बोलो। श्रीहर्ष ने सिखाया तुम इसके किससे क्या सब किसको समझाना चाहते हो, लक्षण बोलो। अब जब लक्षण बोलोगे इसको समझे को तुम इसको मानते हो कि नहीं मानते, तब दोनों में विवाद समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी अब प्राण शब्दों का अपने अव्यक्तित्व में कैसे प्रयोग करते, उसके साथ समानता कैसे दिखाया, इसको लेकर के शुरू हो रहा है। प्राण शब्द पंचवृत्तौ वायु विकारे रूढ़त्वात् न अव्यकृत विषयत्वम् रूढ़ि विरोधात् इति शंकते। ठीक है, प्राण शब्द से प्राण शब्द का पंचवृत्तौ वायु विकारे पंचवृत्तियात्मक जो वायु विकार क्या क्या, प्राण अपान समान व्यानुदान पंचवृत्तौ वायु विकार रूढ़त्वात् रूढ़ि है वो प्रसिद्धि है। क्या बोलते हैं कि जोगात रूढ़ि बलियसी, योगिक अर्थ से रूढ़ी बलवान होते हैं, सबको समझ में आता है योगात रूढ़ी बलिय से नहीं भी है। इसीलिए वायु विकारे रूढ़त्वात् न अव्यक्त विषयत्वम वो प्राण जो है अव्यक्त प्राण शब्द अव्यक्त के साथ एक नहीं हो तो विषय नहीं कर सकते, क्यों रूढ़ी विरोधात् रूढ़ी के साथ विरोध हो जाए। इसको मन में रखते हुए शंका करते हैं, इस चीज को बहुत ध्यान रखना। ये आपको वेदांत तो हर एक जगह पे काम आएगा, ये चीज आगे जो भगवान भाष्यकार बोलने जा रहा है वेदांत में हर जगह पे काम आएगा। यदि ये हमको समझ में आ जाएगा तो हमारी वेदांतिक शैली वेदांतिक शब्दों को समझने का कला आपको आ जाएगा। अच्छा आप देखिए यहाँ पे बोलते हैं कथम प्राण शब्दत्वम अव्यकृतस्य, प्रश्न का शंका उठाते ना, कथम प्राण शब्दत्वम अव्यकृतम, ये प्राण शब्द का कैसे प्रयोग कर दिया आपने, ठीक है ना। तो बोलते अव्यकृतस्य अव्यकृतम प्राण तथा प्राण शब्दत्व रूप धर्म कैसे आप प्रयोग कर दिया, ये कहाँ से, प्राण तो पांचवृत्तिक वायु में होता है, यहाँ पे तो नहीं होता है। अच्छा तो उत्तर दे रहे देखो कि अन्यत्र रूढ़त्य अपि, ठीक है योग दर्शन में सांख्य दर्शन में प्राण में वहाँ पर रूढ़ होने पर भी, क्योंकि वहाँ पे ब्रह्म को लेकर पुरुष को लेकर के विचार नहीं किया उस दर्शन में, उस दर्शन में प्रकृति के ऊपर विचार अधिक है। ब्रह्म शब्द ब्रह्म दर्शन केवल ब्रह्म को लेकर विचार करते हैं, उस दर्शन में प्राण शब्द का यहाँ प्रसिद्ध मानते हैं, परंतु हमारे यहाँ पे कुछ भी शब्द आकाश तल लिंगात अतएव प्राण ब्रह्म शब्द आकाश तल लिंगात आकाश शब्द के द्वारा ब्रह्म को ही कहा गया, क्योंकि आकाश ब्रह्म का लिंग चिन्ह दिखाई पड़ता है, इसीलिए प्राण भी वैसा प्राण में भी वही चिन्ह दिखाई पड़ता है, ऐसा ब्रह्म शब्द में आया हुआ। इसलिए एक किस दर्शन में क्या पारिभाषिक शब्द है उसको ध्यान में आने से उसको मिटाने के लिए भगवान भाष्यकार बोल रहे हैं अन्यत्र मतलब दूसरे दर्शनों में रूढ़त्य अपि उस ये प्राण की पंचवृत्ति वायु में रूढ़ी होने पर भी श्रोत प्रयोग वसात श्रुति ने कैसा प्रयोग किया देखो, है ना। श्रुति शब्द के आधार पर हमारा ब्रह्म सूत्र निर्णय हुआ, श्रुति ने क्या बोला, श्रुति को समन्वय करके कहाँ पे जाता है देखो। इसलिए बोलते हैं श्रोत शब्द प्रयोग पश्चात श्रोत प्रयोग पश्चात श्रुति में ऐसा प्रयोग होने के कारण, श्रुति में ऐसा प्रयोग होने के कारण क्या कि अव्यकृत को भी प्राण शब्द के तरह कहा गया है।
अव्यकृत विषयत्म प्राण शब्द प्राण शब्द अव्यकृत को विषय करते हैं, इसमें कोई गलती नहीं है। युक्त में युक्त संगत इति परिहरत, इसको मन में रखते हुए भगवान भाष्यकार इस शंका को निराकरण करते हैं। क्या शंका, शंका क्या है यहाँ पे? हाँ, प्राण शब्द पंचवृत्ति आत्मवाय में प्रयोग होता है, आपने अव्यकृत में कैसे प्रयोग कर दिया, तो उसको बोलते हैं श्रुति की प्रसिद्धि से। श्रुति और ब्रह्म सूत्र में ऐसा निर्णय करके दिखाया, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं वहाँ पे यदि ब्रह्म लिंग का आपको दिखाई पड़ता तो मन अन्नत्र रुहृत्य अपि अन्न दर्शनों में इसके प्रसिद्धि होने पर भी श्रोत प्रयोग वसात श्रुति में इस प्रकार प्राण शब्दों को अव्यकृत के लिए प्रयोग किए जाने के कारण अव्यकृत विषयत्म प्राण शब्द से युक्त, इसीलिए प्राण शब्द अव्यकृत को विषय करता है, ये युक्ति संगत है। इति परिहरत, इसको मन में रखते भगवान भाष्यकार इस शब्द को निराकरण करते हैं। क्या शब्द दे रहे हैं? प्राण बंधनम ही सौम्य मन इति श्रुते है, ये छांदोग्य श्रुति है 6-8-2, ये छांदोग्य श्रुति है। हे सौम्य, हे प्रियदर्शन, ये देखिए, ये देखिए, मैं पहले ही बोला कि जहाँ कहीं कुछ संबोधन करके बोलता है अधिकारी, हाँ ये चीज को समझा, ये सौम्य शब्द प्रयोग करके प्राण बंधन में सौम्य मनो, यहाँ पे प्राण परमात्मा, मन हो गया जीव, समस्त जीव की एकमात्र आश्रय परमात्मा ही है, ये कौन समझेगा? सौम्य है जो सीधा सदा सरल व्यक्ति हो गया ना, वो व्यक्ति को समझ में आता है, वेदांत दर्शन निष्ठ रखने वाला। क्या अर्थ है श्रुति का? श्रुति का अर्थ तो यहाँ पे कि प्राण शब्द का अर्थ तो सत शब्द, जिसको बोलकर सदैव सौम्य एकदम अग्रहसी, और मन शब्द तरह जीव दिखा रहा है, ये संपूर्ण सृष्टि में जितना जीव दिखाई पड़ता है वो समस्त जीव का एक ही बंधन है, मतलब एक ही आश्रय, वो है प्राण परमात्मा। और अभी आएगा इसको बताएंगे भगवान भाष्यकार जी। आप यहाँ पे वो बोलेगा कि आप यदि इसको परमात्मा बोलते हो तो उसके द्वारा तो परमात्मा निर्विशेष लक्षित होता है, निर्विशेष परमात्मा को बोलो, बोलते निर्विशेष परमात्मा को हम नहीं बोल सकते, जहाँ कहीं भी ध्यान रखना इस चीज को, सृष्टि के प्रकरण के दिखाया गया, चाहे सत शब्द प्रयोग किया, चाहे ब्रह्म शब्द प्रयोग किया, चाहे आत्म शब्द प्रयोग किया, वो शब्द प्रयोग के निमित्त वहाँ पे कोई उपाधि है, माया उपहित के साथ नहीं, क्योंकि वो उपाधि नहीं होगा तो शब्द प्रयोग ही नहीं हो पाएगा वहाँ। इसलिए जहाँ पे हमने सदैव सौम्य इदम अग्र आशीर्द के द्वारा हम ईश्वर ही कहना चाहते हैं, परंतु उसके द्वारा लक्षित क्या होता है? निर्विशेष। क्यों आगे क्या बोलता है? सहज एश अनिमा अलितात्मिदुम सर्वा, वो उसके अंदर सूक्ष्म तत्व है, ये सारा संसार सूक्ष्मता से गिरा हुआ है, वही तुम हो, ईश्वर तुम नहीं बोला, वो सहज एश अनिमा वो सूक्ष्मता, वो तुम्हारा स्वरूप है, ऐसे शांत दुष्टि में आते हैं। इसलिए आप बोलते हैं कि प्राण बंधनम ही सौम्य मन हे सौम्य हे प्रिय दर्शन, अथवा उत्तम अधिकारी को संबंध दिखा करके बोलते हैं, ये जो है ना मन से आपको पूर्व लक्षित है, मन उपहित चेतन जीव, अंत कर्ण उपहित चेतन जीव, और प्राण शब्द से यहाँ पे, क्योंकि हमारे छांद गोपनिषद षष्ठ अर्थ छोड़ी होता है सदैव सौम्य दम अग्रे आशे, तो यहाँ पे प्राण शब्द के उस सत को कहा जा रहा है, प्राण बंधन है, मतलब उस प्राण मतलब वो सब ही सब जीव का बंधन, मतलब आश्रय, एकमात्र आश्रय, समस्त जीव का एकमात्र आश्रय है। दृष्टांत तो देते हैं वहाँ पे, यह पे जैसे एक चिड़िया एक जहाज के ऊपर बैठ गया था, जहाज के ऊपर बैठ गया था तो वो जहाज चलने लग गया, फिर समुद्र के बीच में पहुँच गया, तो चिड़िया ने जब नींद खुली तब देखा कि मैं वो इधर उधर उड़ा, कहीं को बैठने का जगह नहीं मिलता, फिर आकर उसी जहाज के मजदूर के ऊपर, ये हम जीव भी ऐसा ही है ना, कि माया नित्रा में सोए हुए हैं, और माया नित्रा में सोकर के इधर जाकर सपने भटकते रहते हैं, किंतु जैसे ही थक जाते हैं बैठने का विश्राम की जगह नहीं मिलती हमको कहीं, हर जगह पे थकाने की जगह है, विश्राम की जगह नहीं मिलती हमको, फिर हम अपने स्वरूप में आकर के विश्राम करते हैं, ये है प्राण बंधन विषय में। अब यहाँ पे बोलते हैं कि प्राण बंधनम, अब यहाँ पे बोलते हैं प्राण बंधन में सम्य मन, दो नंबर टिप्पणी में देखो मन शब्द के द्वारा क्या बोल रहे हैं, मन उपहित जीव, अब प्राण शब्द के द्वारा कौन है? सदैव सम्यदम अग्रे आशीष, सब सब उसी का व्याख्या आगे करेंगे, सिर्फ उसको पर नहीं बोल रहे हैं, श्रुति है। अब बोलते हैं प्रकरण शटिका में देखिए, प्रकरण से ब्रह्म विषयत्वा ब्रह्मणि एव प्रकृते प्राक्ये प्राण शब्दस्य प्रयोगात् न अव्यकृत विषयत्वं तस्य प्रकरण विरोधात् इति शंका। वो बोलते हैं आप भी उपनिषद पढ़ते, शास्त्र पढ़ते हैं, हम भी शास्त्र पढ़ते हैं, शास्त्र की शैली क्या है?
आप वहाँ पे ब्रह्म को प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि आपने एक विज्ञान सर्व विज्ञान की प्रतीक्षा करते हैं। उतो तम आदेश सुतम सुतम भगवता मतम मतम। फिर क्या क्या कहा था कि वाचारम्भनम विकारम नाम ध्येयम वृत्ति का इत्येव सत्य, मूल कारण है पारमार्थिक सत्य का दिखाया। तो यानी कि ब्रह्म को तुम दिखाना चाहते हो, तो जब ब्रह्म को दिखाना चाहते हो प्राण शब्द के द्वारा ब्रह्म को कहा गया, ये क्या हो ना अपना कृत्य क्यों बोल रहे छोरे के नहीं है लोग अपना कृत्य क्यों बोल रहे हैं, ब्रह्म को बोला गया बोलो। आपका विश्वत्व का भी तो आते हैं प्राण ब्रह्म यही दिया, वहां पर यही दिखाया ब्रह्म को दिखाया, परंतु वहां पर ब्रह्म के लिंग क्या दिखाया था जन्मांतस्य जय। अर्थात ब्रह्म जिज्ञास के बाद ब्रह्म का मन स्वरूप लक्षण क्या किया था, लक्षण जन्मदस्य जत, जहाँ जन्मदस्य जत वहाँ पे उपहित चेतन है, वो उपहित चेतन है वो। आप देखिए कितना सुंदर इसका संकेत ये करेंगे, प्रकरणस्य ब्रह्म विषयत्वात् ब्रह्मणि एव प्रकृति। वो प्रकरण क्या है कि ब्रह्म को विषय करते हैं, है ना, तात्पर्य निर्णय लिंग से ब्रह्म का विषय करते हैं, ठीक है ना। ब्रह्मणि एव प्रकृति, वहाँ पे ब्रह्म ही विषय है, आलोच्य विषय ब्रह्म है। प्रकृति वाक्य प्राण शब्द से प्रयोग, प्रकृति वाक्य में प्राण बंधन मन, यहाँ पे उस ब्रह्म को ही कहा गया है प्रयोग, न अव्यकृत विषय प्राण अव्यकृत का विषय क्या, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तस्य प्रकरण विरोध, क्योंकि यदि आप ऐसे ना होगा प्रकरण से विरोध हो जाएगा, शब्द विरोध भी है प्रकरण विरोध भी है। यदि शंका किसी को मन में रखते हुए शंका करते हैं, देखिए आपने छोटा शब्द बोला तो वो बोलते हैं देखो ध्यान दो उपनिषद कैसे शुरू करते हैं, ननु तत्र सदैव सम्मेदम अग्रे आशीत है ना, ईशान देव 6-2-1 इति प्रकितम। वो जो है इसको बोलने की प्रतिज्ञा करती है श्रुति, प्रतिज्ञा वाक्य क्या है उसके बारे में बोध कथन करेंगे। और प्रकृतम सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्य, क्योंकि आपका नियम आप एक है, जिसको कहने की प्रतिज्ञा आपने किया अभ्यास में चले आप अन्य शब्द प्रयोग भी करते हैं तो उसी को ही आप बोलना चाहते हैं, ये भी आपका नियम है, ये आपने कहा ठीक है। तो जो सदैव समय इदम अग्र आश्रित करके जिसको आप सत शब्द के द्वारा समझाना चाहते हैं प्राण शब्द के द्वारा उसी शब्द को कहा गया है, ठीक है। सत शब्दों के द्वारा आप जिसको कहना चाहते हैं प्राण शब्दों के द्वारा भी आप उसी को कहना चाहेंगे, ये आपका सिद्धांत है ठीक है। सत शब्दों के द्वारा आप तो निर्विशेष ब्रह्म को समझाना चाहते हैं, तो पहले प्राण शब्दों के द्वारा तो निर्विशेष में आप अव्यक्त क्यों बोल रहे थे, निर्विशेष ब्रह्म बोलो अव्यक्त हो जाता है। अब देखिए छोटा सा भी आपका शब्द प्रयोग में आप भाष्यकर आपको गहराई को समझाएंगे, आप भाष्यकर का गहराई को समझाएंगे ना, इस जगह को यदि समझ जाएंगे ना आगे भी शब्द प्रयोग में भी ऐसे ही समझना हर जगह पे कि तत्र सदैव समय इति प्रकृतम सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्य, इसीलिए प्रकृति जो सद ब्रह्म है उसी के यहाँ पे प्राण शब्द के द्वारा कहा गया, ऐसा आपको मानना पड़ेगा। तो भाष्यकार बोलते हैं अब देखिए टीका में आ जाइए, टीका में नरु प्रकरण से ब्रह्म विषयते अपि, प्रकरण ब्रह्म को विषय करते ठीक है, ब्रह्मन संलक्षण सबलत्व अंगीकारात् अस्मिन् अपि वाक्ये तत्रैव प्राणशब्द प्रयोगात् युक्तं तस्य अव्यक्तत्वम् इति उत्तरम् आह। ठीक बोला आपने, क्या ठीक बोला कि प्रकरण तो ब्रह्म को विषय करता है किंतु निर्गुण निराकार निर्विशेष ब्रह्म के लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं, हमको माया उपाधि के साथ ही बोलना पड़ता है। इसीलिए बोलते हैं प्रकरण से ब्रह्म विषयते अपि ब्रह्मन संलक्षणस्य, ब्रह्म क्या है वो लक्षित किस होता है सत, हाँ क्योंकि यहाँ पे क्या बोलता है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म सत लक्षण है वो, त्रिकाल अबाधत्तम सत्यत्तम इसके तरह लक्षित होता है ब्रह्म। अब इसके लिए आनंद गिरी बोल रहा है सत सत कर, परंतु जहाँ पे हमारा जहाँ पे ब्रह्म के लिए शब्द प्रयोग होता है वहाँ पे जन्मदस्य जो वहाँ पे वो जो है आपको तटस्थ लक्षण बोलते हैं, एक तटस्थ लक्षण है एक स्वरूप लक्षण है, स्वरूप से वो सत होते हुए भी तटस्थ लक्षण के द्वारा जब दिखाएंगे तब आपका कृतन आ जाएगा। जब तो वैमानी भूतानी जायन्ते जब तो जाताने जीवन दिशो के जन्म दस जब तो आया मतलब वो मतलब सृष्टि के बीज अवस्था जिससे सारा सृष्टि उत्पत्ति होती है, तो जिससे उत्पत्ति होता तो सृष्टि के बीज है, ऐसा कहते ब्रह्म को तटस्थ लक्षण दिखाया ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं कि प्रकरणस्य ब्रह्म विषयत्वे अपि ब्रह्मन संलक्षणस्य, जो ब्रह्म जो सत के द्वारा लक्षित रहा है सबलत्व अंगीकार सृष्टि की वहाँ पे प्रकरण दिखा रहा है, इसीलिए वो सबल ब्रह्म सामर्थ्यवान है, सामर्थ्यवान माया उपहित तो यही बोलते हैं अंगीकार तस्मिन अपि वाक्य, इसीलिए उस वाक्य में भी तत्रैव मतलब उस तत्र मतलब उस ब्रह्म में ही प्राण शब्द प्रयोग, ब्रह्म सबल ब्रह्म
तो फिर माया को कहते निश्चर में प्राण शब्द का प्रयोग होना चाहिए। हाँ पे शबल में दंत दशा नहीं होना, ना 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 उस शबल नहीं है यहाँ पे। शबल ब्रह्म सबल ब्रह्म अर्थ है बल, बल, बल के साथ, बल के साथ नहीं है उसका सबल मतलब माया उपाधि के साथ। बल ही ना सह होता तो आप वहाँ पे दंत दशा होता, उसको सबल ब्रह्म ही बोलते। सक्रिय ब्रह्म मतलब शबल, शबल मतलब है सक्रिय ब्रह्म, शक्ति शक्ति हाँ साथ, हाँ शक्ति के साथ यहाँ पे बोलना चाहते हैं यहाँ। इसलिए सबल सबलत्व अंगीकारात अस्मिन अपि वाक्य, इस वाक्य में भी तत्रैव प्राण शब्द प्रयोग सबल ब्रह्म में ही मतलब माया उपहित चेतन। अब सबल ब्रह्म में देखिए ब्रह्म की दो अवस्था है, एक आपका बीज अवस्था, एक आपका अंकुर अवस्था, एक हो गया अभिव्यक्त अवस्था। बीज अवस्था हो गया ईश्वर, अंकुर अवस्था हो गया हिरण्यगर्भ, और अभिव्यक्त अवस्था हो गया विराट। ठीक है, तो यहाँ पे शब्द प्रयोग कहाँ पे होगा? ईश्वर से शब्द प्रयोग शुरू हो तो पहले शब्द प्रयोग नहीं हो सकता। इसीलिए अगर हम माया उपाधि हटा दें निर्गुण ब्रह्म से तो निर्बल भी हो जाएगा, तो निर्बल हो जाएगा, निर्बल हो जाएगा, शक्ति रहित हो जाएगा, उसमें कोई क्रिया सामर्थ्य नहीं है। माया से ही सारा क्रिया सामर्थ्य दिखते हैं, तभी शब्द प्रयोग होता है। शब्द प्रयोग के निमित्त है जाति गुण क्रिया संबंध रूपे सब होता, तब जब शब्द प्रयोग होता है। जब वो कुछ भी नहीं है उसमें शब्द प्रयोग भी नहीं हो पाएगा वहां पे। और शब्द प्रयोग कर रहे हैं यानी कि जब श्रुति ने शब्द प्रयोग किया तो मन में उसको बैठा के शब्द प्रयोग किया। इसलिए व्याकृत में प्राण शब्द प्रयोग करना भी विरोध नहीं है। ये बोलते हैं यहाँ पे सबलत्व अंगीकारात अस्मिन अपि वाक्ये प्राण बंधन सौम्य माने, इस वाक्य में भी तत्रैव मतलब सबल ब्रह्म में ही प्राण शब्द प्रयोग युक्तम तस्य अव्यक्त विषय। इसलिए प्राण शब्द अव्यक्त को बोध कराता है, इसमें कोई विरोध नहीं है, ये कहना युक्ति संगत है। इसको मन में रखते हुए भगवान भाष्यकर उत्तर देते हैं, उत्तर मह नैष दोष नहीं नहीं इस प्रकार आदि कोई आक्षेप भाष्यकर के ऊपर नहीं है, श्रुति के ऊपर है। श्रुति के ऊपर बोलना ना कि श्रुति ने ऐसे शब्द प्रयोग किया, आपने ऐसा क्यों कर रहे थे? नैष दोष बीजात्मकत्व अभ्युपगमात सदह सदैव सौम्य इदम अग्र आश्रित में जो सत शब्द प्रयोग किया गया है वहां पे बीजात्मक अवस्था को मन में रखकर के श्रुति ऐसा बोलती है। बीजात्मक हाँ मतलब बीज स्वरूप, बीज रूप, बीज रूप। क्यों? क्योंकि बीज तभी तो बोला तस्मद वे तस्मद आत्मन आकाश संभूत, अथवा वहां पे क्या बोला था तत्तेजो अक्षत, तत्तेज शब्द को प्रश्न में तत्तेजो अक्षत वहां पे तीन भूत की प्रकरण है ना में आकाश और वायु को नहीं कहा, तो यहाँ पे तेज अक्षत बहुत अनेक हो जाए, वो तेज चिंतन किया था, फिर जल चिंतन किया था, फिर पृथ्वी चिंतन किया। इस प्रकार से वहाँ पे जो है वो मतलब सत जो बोलते हैं कि सत लक्षण से सबलत्व अंगीकारा तस्मिन अपि वाक्य प्राण शब्द प्रयोगात युक्तम तस्य अव्यक्त विषयत्वं नैष दोष। क्यों? बीजात्मकत्व अभ्युपगमात सतः वहाँ पे जो सत शब्द प्रयोग किया गया है वो सत शब्द की बीजात्मक चेतन को बोला जाए, बीज सहित चेतन को बोला जाए, ईश्वर को बोला, ईश्वर को बोला जाए। कहना चाहता है निर्विशेष ब्रह्म को तो दिखा सकते हैं ईश्वर का उपाधि के साथ। ठीक है ना, इसीलिए आप देखिए हम आपको सफेद लाइट नहीं दिखा सकते वहां तक हमको नहीं जाता, परंतु लाइट जो कलर के माध्यम से हम आपको क्या दिखा रहे हैं? देखो इस प्लेट के ऊपर जो है लाल काला सफेद पीला कागज चिपका हुआ है, इसलिए ये लाइट आपको लाल काला पीला दिखाई पड़ रहा है, परंतु वास्तविक इस लाल काला पीला को हटा देने पर तभी भी एक ही लाइट अलग अलग रूप में दिखाई पड़ता है। यदि वो अपने आप में सफेद नहीं होता कि लाल काला मन आपको समझ में नहीं आता, मतलब अपने आप निर्विशेष है तभी विशेष के धर्म के साथ अभिव्यक्त होता है और विशेष के समझे को समझाता भी है। इसीलिए हमें बोलते हैं बीजात्मक अभ्युपगमात सत, वहाँ पे सत को मान्यता दिया गया है वो बीजात्मक अवस्था को कहा गया है। यद्यपि सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्य, ठीक बोला आपने, यद्यपि वो सत ब्रह्म वहाँ पे सद ब्रह्म मतलब सविशेष ब्रह्म ने निर्विशेष ब्रह्म के प्राण शब्द का वाच्य बोलते हैं, तत्र तथापि बीज प्रसव बीजात्मकत्वम जीव प्रसव बीजात्मकत्वम अपरित्यज्येव प्राण शब्द वाच्यतम सत सत शब्द वाच्यता च। दोनों एक है बीजात्मक अवस्था और शुद्ध ब्रह्म का बोध, दोनों का बोध है वो सच बोध का सत शब्द। फिर देखिए यद्यपि सद ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम, सद ब्रह्म प्राण शब्द का वाच्य प्राण वाचक हो गया, तत्र मतलब उस वाक्य में कमा कर देना, तत्र मतलब उस वाक्य में प्राण बंधन में सौम्य मन उस वाक्य में
तथापि फिर भी जीव प्रसव बीजात्मकत्वम, जीव को मतलब सृष्टि के उत्पन्न कहकर क्योंकि यहां से घूम गया था प्रसव बीजात्मकत्वम च। भाष्य में देखिए, भाष्य का शैली देखिए, जो बोल कर गया था समस्त सृष्टि की प्रसव करने का बीज आत्मा को होने के कारण, बीज रूप होने के कारण इसे बोलते हैं कि तथापि बीज जीव प्रसव बीजात्मकत्वम, जीव को उत्पत्ति करने के लिए, जीव मतलब पूरा सृष्टि को उत्पत्ति करने के लिए जो बीज रूप है उस रूप को अपरित्यागेन एव, उस रूप को छोड़ करके नहीं बहा जा सकता, उसको मतलब मन में रख करके प्राण शब्द वाच्यत्वम सत, प्राण शब्द सत का प्राण शब्द वाच्यत्व आता है, प्राण हो गया वाचक, असत हो गया वाच्य, प्राण हो गया वाचक, असत हो गया वाच्य। केवल इतना ही नहीं कि सत शब्द वाच्यता च, प्राण भी है और सत शब्द मतलब शुद्ध चेतन का भी बोध कराता है। वो माया उपहित को बोध कराते हैं, जब आप निषेध कर देंगे क्यों हम श्रुति क्या बोलते हैं, वाचारम मनम विकारणाम ध्येयम, श्रुति बोलते हैं वहां पे माने के तरह जिसको कार्य तो विकार मात्र है, मृत्यु का इत्येव सत्व मूल कारण ही एकमात्र सत्य है। तो वाणी के द्वारा जब ईश्वर तक आप वाणी तक वाणी के विकार मानते हैं तो वहां तक मिथ्या होगा, वहां तक मिथ्या होगा, ईश्वर तक मिथ्या होगा। चंद्रगुप्त युग हमारा मंडू को कही का कि ये विश्वता है। अब इस वाक्य में देखिए, यद्यपि करके बोला कि नैश्य दोष जो संग्रह वाक्य है ना, उसके बाद ये संग 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 बीजात्मकत्व अभ्युपगमान सतः, ये संग्रह वाक्य है बीजात्मकत्व अभ्युपगमान सत्य संग्रह वाक्य से, अब शंकर वाक्य को प्रपंच यदि उसको विस्तार से कहते हैं, क्या कहते हैं, यद्यपि सद्ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यत्वम तत्र, यद्यपि सद्ब्रह्म प्राण शब्द की वाच्य तत्र मतलब प्राण बंधनम वाक्य परमेश्वर, तत्र मतलब वो वाक्य प्राण बंधन में संयमन, जीव शब्द में ना जीव प्रसव बीजात्मकत्वम, जीव की उत्पत्ति का बीज है, वहां पर जीव से क्या लेगा, जीव शब्द सर्वस्व एव कार्य जात सुपलक्षणम, समस्त कार्यात्मक जगत की सृष्टि के बीज उस सत में भरा हुआ है, समस्त कार्यात्मक जगत की उत्पत्ति के बीज उस सत में भरा हुआ है, और उसको दिखाते हुए भी निर्विशेष को भी बोध कराता है, च दोनों का बोध कराता है। इसीलिए हम शब्द प्रयोग जब हमने किया, यदि वहां पे निर्विशेष बोध जहां पे कराएंगे वहां पे कैसे शब्द प्रयोग करते हैं देखो आगे दिखाएंगे, बताओ समय हो गया, आज यहीं पे रखते हैं। तो यहाँ तक हो गया हमारा, जीव शब्द सर्वस्व कार्य जात उपलक्षणम, ठीक है ना, जीव का समस्त कार्य समूह का उपलक्षण है। और भाष्य में यहाँ तक हम ध्यान लगाते हैं, यद्यपि शब्द ब्रह्म प्राण शब्द वाच्यम तत्र कौन करते वहाँ पे, तथापि बीज जीव प्रसव बीजात्मकत्वम अपरित्यज्य एव प्राण शब्द वाच्यत्वम सत सत शब्द वाच्यता च, ठीक है ना, बीज भाव भी है निर्विशेष भाव भी है, दोनों को बोध कराते हैं सत। अजम अपि अनियोगं प्रापदैश्वर्ययोगात् अगति जगतिमत्तां प्रापदेकं हि अनेकं विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणानां प्रणतः भयविहन्त्री ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि।